Welcome back to my channel, online classes by Kavita Sushdeva. Uh, yes, if you are new on my channel, please subscribe my channel and like this video and share this video to more and more people. Yes, next part of analogy is letter analogy. In letter analogy, letters are moved some steps forward or backward or reversed in whole or in section. क्या करते हैं हम लेटर एनोलॉजी में लेटर्स को मूव करते हैं या तो फॉरवर्ड मूव करते हैं या फिर बैकवर्ड मूव करते हैं या फिर वर्ड को पूरा रिवर्स करते हैं या फिर कुछ पार्ट वर्ड का रिवर्स करते हैं और लेटर एनालॉजी के लिए आपको क्या याद रखना है आपको ए बी सी अप टू जेड की नंबरिंग याद रखनी है ठीक है एक ए को सपोज आप वन लिख लेते हो बी को टू सी को थ्री डी को फोर ई e को फाइव अप टू जेड तक जेड को ट्वेंटी सिक्स और इसकी रिवर्स नंबरिंग भी आपको याद रखनी है जैसे ए का रिवर्स क्या है जेड ओके अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर एनालॉजी में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है फॉर एग्जाम्पल ए जेड बी जेड इज टू सी वाई डी वाई ठीक है ए जेड और सी वाई डी वाई जैसे हम लिख सकते हैं आ, वैसे ही ई एक्स एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सपोज हमने ए ए को हमने इसमें क्या लिख लिया सी मीन्स एक लेटर फॉरवर्ड मैंने बताया था ना आपको फॉरवर्ड मूव करना है लेटर्स को या फिर बैकवर्ड मूव करना है ठीक है एक लेटर फॉरवर्ड मूव किया ए बी सी अब एफ जी फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा जी ई एफ जी अब जेड वाई अब एक लेटर बैकवर्ड मूव किया हमने एक लेटर क्या किया बैकवर्ड मूव किया जेड वाई अब एक्स का एक लेटर बैकवर्ड डब्ल्यू ठीक है ए बी सी में एक्स का एक लेटर बैकवर्ड डब्ल्यू हम डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखते हैं ना ओके देन बी डी बी सी डी एक लेटर फॉरवर्ड हो रहा है बी सी डी ऐसे ही एफ जी एच एफ जी एच एक लेटर फॉरवर्ड देन अगेन एक लेटर बैकवर्ड है जेड टू वाई जेड को हमने वाई लिख लिया एक लेटर बैकवर्ड लिखा ओके okay? तो ऐसे ही x को हम एक लेटर बैकवर्ड लिखेंगे w नाउ मैच g w h w इज द यस नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज q p r s इज टू t u w v q p r s को अगर हम लिख सकते हैं t u w v तो जे आई के एल को हम क्या लिख सकते हैं देखो आपने फर्स्ट लेटर का इस फर्स्ट लेटर से रिलेशन देखना है क्यू को हमने क्या लिखा टी क्यू को टी लिखा तो कितने वर्ड्स हमने मूव फॉरवर्ड किए ठीक है क्यू आर एस टी क्यू आर एस टी दो वर्ड्स के बाद आया ऐसे ही जे को हम टू स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेंगे जे के एल एम जे को क्या लिखेंगे यहां पर एम ठीक है फिर देन पी पी को क्या लिखा हमने यू पी को यू पी क्यू आर एस टी यू फोर फोर स्टेप्स मूव फॉरवर्ड किया फोर फोर लेटर्स हमने मूव फॉरवर्ड किया ठीक है तो हम इसमें भी फोर लेटर्स फॉरवर्ड मूव करेंगे आई जे के एल एम एन फोर लेटर्स स्किप करके हम फिफ्थ लेटर आंसर मिली ओके देन आर आर को हमने क्या लिखा डब्ल्यू ओके आर एस टी यू वी डब्ल्यू फोर लेटर्स मूव फॉरवर्ड किया तो क्या लिखा हमने डब्ल्यू ऐसे ही हम इसको फोर लेटर्स मूव फॉरवर्ड करेंगे ठीक है एल एम एन पी फोर लेटर्स के बाद फिफ्थ लेटर हमारा आंसर में आएगा ओके देन एस को क्या लिखा हमने वी एस टी यू वी टू लेटर्स मूव फॉरवर्ड एल को टू लेटर्स मूव फॉरवर्ड करो एल एम एन ओन सी इज द करेक्ट नेक्स्ट इज मिक्स्ड एनालॉजी मिक्स्ड एनालॉजी में क्या गिवन होता है लेटर्स नंबर्स और उनमें सर्टेन रिलेशनशिप गिवन होता है आपको फॉलो करना होता है रिलेशनशिप देखना होता है अभी आ, क्या रिलेशनशिप गिवन है और आपको फिर वैसा ही रिलेशनशिप दूसरे पेयर में फॉलो करना होता है यस, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन इज एम इंटू एन इज़ टू थर्टीन इंटू फोर्टीन अगर हम एम इंटू एन को क्या लिख सकते हैं थर्टीन इंटू फोर्टीन तो हम आई इंटू एच को क्या लिख सकते हैं ठीक है एम एम की पोजिशन क्या होती है मैंने आपको कहा था आपको पोजिशन बता होना चाहिए ए बी सी डी एफ टू एन मैंने लिख लिया देन उनकी पोजिशन लिख ली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू फोर्टीन ठीक है एम की पोजीशन है थर्टीन okay, okay. और एन की पोजीशन है फोर्टीन ओके ओके देन आई और एच की पोजीशन क्या होगी आई की पोजीशन है नाइन और एच की पोजीशन है एट तो हम इसको क्या लिख सकते हैं नाइन इन टू एट फर्स्ट ऑप्शन यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल्म इज टू टेन देन होटल इज टू वॉट अगर हम फिल्म को टेन लिख सकते हैं तो होटल को क्या लिख सकते हैं यस फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्वेल्व सेकेंड ऑप्शन इज़ सिक्सटीन थर्ड ऑप्शन इज़ एटीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ थर्टी ठीक है आपको क्या पता होना चाहिए इनकी प्लेस पता होना चाहिए इनके वे, आ, कौन सी पोजीशन पे है एफ इज़ ऑन सिक्स पोजीशन, आई इज़ ऑन नाइन्थ पोजीशन एंड एल इज़ ऑन ट्वेल्थ एंड एम इज़ ऑन थर्टीन क्या किया है हमने यहाँ पर टेन कैसे कैलकुलेट किया इनकी पोजीशंस को ऐड कर दिया ओके नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव इज फोर्टी ठीक है फिर हमने फोर्टी को क्या किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर्स जितने नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उसे डिवाइड कर दिया कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं वन टू थ्री फोर ठीक है फोर्टी डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू टेन ऐसे कैलकुलेट किया अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकी इनकी पहले पोजिशन को प्लस कर देंगे एच कौन सी पोजिशन पे है एट पोजिशन पे ओ कौन सी पोजिशन पे है फिफ्टीन टी ट्वेंटी ई 5 और एल 12 इनको हम क्या करेंगे ऐड ओके एट प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी ओके फिफ्टीन प्लस फाइव इज ऑल्सो ट्वेंटी plus 20 20 plus 20 40 plus 20 60 60 divided by number of letters 1 2 3 4 5 60 divided by 5 is 12 in this way you can calculate question. this type of this type of question can also come in question, exam as f is related to 216 say f 216 से रिलेटेड है इन द सेम वे डी इज़ रिलेटेड टू डी किस से रिलेटेड है देखो एफ एफ की क्या वैल्यू होती है एफ़ की पोजीशन होती है सेक्स 216 से रिलेटेड है तो सेक्स का क्यूब क्या होता है 216 हंड्रेड सिक्सटीन नाउ डी डी की क्या पोजीशन होती है ए बी सी में फोर तो हम फोर का क्यूब करेंगे फोर फोरजा सिक्सटीन फोर्ज़ा सिक्सटी फोर करेक्ट ऑप्शन इज सिक्सटी फोर Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel and please share to more and more people. Thank you.